दी हैं, उनको संभालना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से उनको पूरा करें। और बस इसी के साथ आधी आबादी महिलाओं को भी तरजीह दी गई, आप हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, कहा जा रहा 3000 पिंक बूथ बनेंगे, तो महिला सुरक्षा पर काम और आगे बढ़ेगा। हम लोग सबकी बात करते हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं, युवाओं की भी बात करते हैं, पूरे प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। पूरा प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में खुश रहा और उसी का आपने नतीजा देखा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ हर वर्ग ने ज्यादा से ज्यादा वोट किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। एक सवाल आखिरी कि जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस कार्रवाई हुई, इनकाउंटर पॉलिसी, बुलडोजर चला, उसको लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल किए, तो ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी भी कह रहे थे। हाँ जरूर, विपक्ष तो अपना काम करेगा, वो सवाल उठाता है उसे उठाने दीजिए। हमारी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में काम किया, जनता का विश्वास उसने हासिल किया, उसी तरह से इन 5 वर्षों में भी हमारी सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी देखिए मंत्री रजनी तिवारी, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष मुद्दा उठाता रहे लेकिन हमारी सरकार काम करेगी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, और जो विकास की योजना है उसको भी हम आगे ले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।